एक बार फिर से दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल स्मार्ट पॉइंट पर। दोस्तों इस वीडियो में आपको एक ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डर के बारे में बताऊंगा जो आपके स्क्रीन को रिकॉर्ड तो करेगा ही करेगा, साथ में आप जो है नॉइस को भी रिमूव कर सकेंगे। अगर आप YouTube वगैरह चलाते हैं और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें काफ़ी सारी वॉइस आ जाती है रिकॉर्डिंग के समय पर, तो उसके लिए ऑडेसिटी वगैरह जो है काफ़ी सॉफ्टवेयर आते हैं जिनको लोग यूज करते हैं। तो मैं एक ऐसे सॉफ्टवेयर को आपको प्रोवाइड कराऊंगा आज जिस पे जो है आपको कोई रेंट भी पेड नहीं करना है, कोई प्रो वर्जन नहीं लेना, आप फ्री ऑफ कॉस्ट में जितनी चाहे उतनी जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और साथ में उसमें जो है आपको एडिटिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। एडिटिंग के साथ में आपको बता दूं उसमें नॉइस रिमूव का सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे लगा है, जो कि सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है जो भी यूट्यूब के लिए वीडियो क्रिएट करते हैं। तो चलिए मैं उस साइट की तरफ लेके चलता हूँ जहाँ से आपको उसे डाउनलोड करना है। वैसे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर रहा हूँ तो आप वहाँ से इसे ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद उसे जो है सिंपली डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने का थोड़ा सा प्रोसीजर मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं स्मार्ट पॉइंट यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आपको एक कोई सा भी अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद मैं आपको कुछ दिखा दूं, इस तरीके से आपके सामने जो है गूगल का आ जाएगा। यहाँ पे जो है आप सर्च कर लीजिए एस्पिंग फ्री कैम, जैसे मैंने यहाँ पे ये डाल रखा है, इस तरीके से आप जो है इसे गूगल में सर्च कर लीजिए और सर्च करने के बाद यहाँ पे सबसे पहला आपको मिल जाएगा स्प्रिंग फ्री कैम फ्री स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। इसमें आपको जो है काफ़ी चीज़ें साथ में मिल जाती हैं, स्क्रीन रिकॉर्डर भी मिलता है, वीडियो एडिटिंग भी मिलती है, ऑडियो एडिटिंग भी मिलती है और साथ में जो है नॉइस का सबसे बेस्ट ऑप्शन मिल जाता है जो नॉइस रिमूव करने के लिए हमारे काम आता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसको आप कैसे ले सकते हैं। तो इस लिंक पर आप जो है सीधा क्लिक करना है। लिंक को ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस इसका खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखिए डाउनलोड करने के लिए सीधा यहाँ पे नीचे आ रहा है एंटर ईमेल, तो यहाँ पे आप कोई सा भी ईमेल आईडी अपना डाल दीजिए, लेकिन वैलिड होना चाहिए, इनवैलिड नहीं होना चाहिए, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। हाँ इतना जरूर है आपका गूगल का हो, याहू का हो, किसी का भी हो, लेकिन यहाँ पे आप वैलिड मेल एड्रेस डालिए जिसे आप लॉगिन करते हो, क्योंकि क्या है यहाँ पे अगर वैलिड नहीं डालेंगे तो ये आपका डाउनलोड लिंक जो है उसी मेल पे भेजेगा। तो यहाँ पे अपना मेल एंटर कर दीजिए, जो भी आपकी मेल आईडी हो उसे आप जो है यहाँ पर जो है एंटर कर दीजिए और सीधा जो है डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर दीजिए। डाउनलोड नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक आपको ये मैसेज दे देगा कि आपके लिए डाउनलोड करने का लिंक जो है आपके मेल पे सेंड कर दिया गया है। तो यहाँ पे मैसेज आने के बाद जो है चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ मेल बॉक्स में, आपको दिखाता हूँ कैसा इसका जो है लिंक आता है। तो यहाँ पे मैंने खोल रखा है अपना जीमेल का अकाउंट, तो यहाँ पे देखिए ये मेरे पास एक मेल आया हुआ है स्प्रिंग सपोर्ट से। तो यहाँ पे इसे ओपन कर लेता हूँ, कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए डाउनलोड स्प्रिंग फ्री कैम का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो है जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक डाउनलोडिंग के लिए पेज ओपन होके आ जाएगा और ऑटो डाउनलोडिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि मेरा थोड़ा नेट स्लो है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये डाउनलोडिंग कैसे स्टार्ट करता है। तो इस तरीके से आपके सामने एक पेज ओपन होकर आ जाएगा, यहाँ पे आपको देखा रहा है थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग स्प्रिंग फ्री कैम, यहाँ पे ऑटो डाउनलोडिंग अभी स्टार्ट हो जाएगी। अगर ऑटो ना हो किसी कारण से तो यहाँ पे देखिए एक क्लिक दिस लिंक का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप सिंपली इसे क्लिक करके मैनुअली भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नीचे हमारे लेफ्ट साइड कॉर्नर पे देखिए डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि मैं यहाँ पे इसे डाउनलोड नहीं करूँगा, इसे कैंसिल कर दें, क्योंकि मैंने इसे जो है ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। डाउनलोड करने के बाद जो है आप यहाँ पे जो है इसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल होने के बाद जो है इसका आइकॉन कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, इस तरीके से इसका आइकॉन आ जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो अब इसे ओपन करने की बारी है, तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि इसके फीचर्स कैसे हैं। तो चलिए इसे ओपन किए ले रहे हैं, मैं डबल क्लिक करके इसे ओपन किए ले रहा हूँ। और ओपन करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से आपके सामने इसका इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहला मिल जाता है हेल्प के लिए, दूसरा कम्युनिटी के लिए, तीसरा अबाउट, अपडेट, एक्टिवेट। तो एक्टिवेट वगैरह को तो आप छोड़ ही दीजिए क्योंकि मैं यहाँ पे आपको फ्री वर्जन यूज करने के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे पेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फ्री में भी हमको काफ़ी फैसिलिटी दे देता है। तो यहाँ पे देखिए सिंपली नीचे आ रहा है न्यू रिकॉर्डिंग, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना रहेगा न्यू रिकॉर्डिंग पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूँ इसका। न्यू रिकॉर्डिंग पे आपने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आएगा ये बॉक्स सा बन के। तो जितने एरिया में ये बॉक्स आ रहा है समझ लीजिए इतनी स्क्रीन हमारी रिकॉर्ड हो रही है।
तो यहाँ पे स्क्रीन का साइज कम ज्यादा अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे देखिए नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ साइजेस आ रहे हैं, फुल स्क्रीन भी आ रहा, सिलेक्ट एरिया भी आ रहा, तो आप यहाँ पर जिसे सिलेक्ट करना चाहें उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन पे जो है सिलेक्ट किए दे रहा हूँ, तो ये देखिए अब हमारा फुल स्क्रीन पे हो गया है। इसके बाद कुछ सेटिंग्स दी गई है, तो मैं इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूँ। यहाँ पे यहाँ कैंसिल से आगे जो है एक देखिए कुछ आइकॉन आ रहा है सेटिंग का बन के, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ सेटिंग्स हमारे सामने खुल के आ जाती हैं। तो यहाँ पे ये जनरल सेटिंग में देखिए सबसे पहले आपको शॉर्टकट की दिए हुए हैं, यहाँ पे देखिए पोस्ट रिज्यूम के लिए ये दिया हुआ है F9, और स्टॉप रिकॉर्डिंग के लिए ESC का वो दिया है की, और डिस्कार्ड के लिए F10 दिया हुआ। आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से अपना कोई भी की चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा यहाँ पे दिया ऑडियो रिकॉर्डिंग, आप माइक्रोफोन या सिस्टम साउंड कैसे यूज करना चाह रहे हैं ये आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर केवल माइक्रोफोन का जो है साउंड लेना चाह रहे हैं तो माइक्रोफोन पे चेक कर दीजिए, इसे अनचेक कर दीजिए, और दोनों का लेना चाह रहे हैं तो दोनों को चेक कर दीजिए, और अगर माइक्रोफोन का नहीं लेना चाह रहे केवल सिस्टम साउंड लेना चाह रहे हैं, सिस्टम साउंड यानी आपके लैपटॉप में जो स्पीकर इनबिल्ड है, माइक इनबिल्ड है तो उसके थ्रू ये साउंड लेगा, तो माइक्रोफोन को अनचेक कर दीजिए, और दोनों पर रखना चाहें तो दोनों पर रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो मैं यहाँ पे दोनों पर रख के आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद अगला है एडवांस का, तो यहाँ पे देखिए एडवांस का आ रहा है। एडवांस में देखिए ओपन न्यू विंडो इनसाइड रिकॉर्डिंग एरिया सो सिस्टम ट्राई आइकॉन, ये आप अपने मुताबिक जो है सेट भी कर भी सकते हैं। नीचे है माउस इंडिकेटर का, अगर आप इस पर चेक कर देंगे तो आप जो माउस ये चलाते हैं कर्सर, तो इस पर जो हाईलाइट होके आएगा, तो ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। इनेबल माउस क्लिक साउंड, अगर आप इसे इनेबल पर चेक कर देंगे तो आप जब भी माउस को क्लिक करेंगे तो उसके साथ में साउंड भी आएगा। तो ये तो कुछ सेटिंग्स थी जो मैंने आपको बता दी, ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ इसे ओके, और इसके बाद थोड़ी सी स्क्रीन को रिकॉर्डिंग करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो चलिए यहाँ से देखिए ये रेड कलर का आइकॉन आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट ए न्यू स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो है 3 सेकंड का टाइमिंग आएगा, उसके बाद ये देखिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने के बाद आप जो भी वर्क कर रहे हैं अपना करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि मैंने अभी राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक की बात की थी, तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो उसकी साउंड आती है, मैंने इनेबल नहीं किया इसलिए नहीं आ रही है, और ये कर्सर जो है हाईलाइट होके आ जाएगा यहाँ पे। और रिकॉर्डिंग की अगर क्वालिटी की बात करें तो HD क्वालिटी में आपको मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे कर देता हूँ मैं पॉज या स्टॉप। तो स्टॉप करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे देखिए नीचे थोड़ा सा आना पड़ेगा, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख लीजिए स्क्रीन रिकॉर्डर हमारा कहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा है, इसे आप जो है यहाँ से जो है डायरेक्टली डन कर दीजिए तो ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से करता हूँ डन और ये यहाँ पर हो जाएगा स्टॉप। तो हमारी ये देखिए स्टॉप होने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से ओपन होके आ गया है स्टॉप होने के बाद। स्टॉप होने के बाद जितनी भी आपने रिकॉर्डिंग की है इसने सेव कर ली, और सेव होने के बाद ये ओपन हो गया है और ये एडिटिंग टूल हमारे सामने आ गया है कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला जो है न्यू रिकॉर्डिंग के लिए, अगर आप दूसरी रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं, इसके बाद जो एडिट का है, इसके बाद सेव एज वीडियो का है, और यहाँ पर आपको मिल जाए अपलोड टू यूट्यूब, यहाँ से आप डायरेक्टली भी अपना एडिट करने के बाद यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं। अगला अपग्रेड का, अपग्रेड का मैं आपको यहाँ पे कुछ नहीं बताने वाला, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि अपग्रेड के लिए तो पैसे देने पड़ेंगे प्रो वर्जन करने के लिए, तो इसके बारे में आपको कुछ नहीं बताऊंगा, ना ही इसके लिए सजेशन करूंगा कि आप जो है इसे अपग्रेड कीजिए। जब फ्री में ही इतनी चीज़ें मिल रही हैं तो फिर अपग्रेड करने की ज़रूरत ही क्या है। बाकी यहाँ पे सोशल मीडिया का भी दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं फेसबुक ट्विटर लिंक्डइन, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके एडिटिंग की। तो एडिटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको सिंपली एडिट पर क्लिक करना है एक बारी, और सिंपली यहाँ से क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से एक न्यू विंडो ओपन होकर आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें देखिए कुछ एडिटिंग दी है। एडिटिंग अगर आप यूट्यूबर वगैरह हैं तो आप एडिटिंग के बारे में तो जानते ही होंगे कि एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो है कैसे काम करते हैं, तो सेम वैसे ही ये काम करता है। लेकिन चलिए मैं आपको एक बार इसे जो है प्ले करके दिखा देता हूँ कि इसकी साउंड और नॉइस वगैरह कैसा है। तो चलिए यहाँ से इसे जो है प्ले करता हूँ, मिल आएगा उसके बाद ये देखिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो इस देख सकते हैं, और नॉइस रिमूव करने के लिए मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा गाइड कर दूं यहाँ पे। देखिए नॉइस अगर आपको रिमूव करना है तो जैसे मान चलिए इस लाइन पे हमारी जो है नॉइस है,
तो हमको क्या करना, सिंपली यहाँ पे जो अपने माउस को एक बार प्रेस करके रखना है लेफ्ट क्लिक को, और यहाँ से जितना एरिया है या थोड़ा भी आप थोड़ा बहुत ही कर लें, कोई दिक्कत नहीं, कम ज़्यादा हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं। नॉइस वाला एरिया जो है थोड़ा सा सिलेक्ट करना है हमको, और सिलेक्ट करने के बाद जो है आपको ऊपर आ जाना है, यहाँ पर मिल जाएगा आपको एक रिमूव मॉइस का, रिमूव नॉइस का, तो रिमूव नॉइस पे आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, केवल रिमूव नॉइस पे कर देना है। जैसे ही करेंगे ये पूरा एरिया ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा और ये नॉइस को जो है रिमूव कर देगा। सेम ऑडेसिटी की तरह दोस्तों ये वर्क करता है, लेकिन यूज करने के लिए बहुत ही ईजी है। ऑडेसिटी में अगर आप थोड़ा डिफिकल्ट समझते हैं तो यहाँ पे बहुत ही ईजी ऑप्शन आपको मिल जाता है। ये हमारा जो है नॉइस रिमूव हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइनिंग जो थी वो और भी पतली हो गई है, यानी कि नॉइस हमारा बहुत कम हो गया है। इसको आप जो है प्ले करके देख सकते हैं और अपना साउंड भी देख सकते हैं। तो ये तो हुई जो है नॉइस रिमूव करने की बात। अब यहाँ से अगर आपको ट्रिम वगैरह करना है तो देखिए जितना आपको एरिया जो है ट्रिम करना है उतना आप सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद जो है आपको ऊपर आना सीधा, यहाँ पे आपको मिल जाता है एक ट्रिम का। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए इतना सारा एरिया जो है हमारा ट्रिम हो गया है जो मैंने सिलेक्ट किया था। अब इसे अगर गलती से ट्रिम कर दिया है तो इसे वापस लाने के लिए आपको मैं बता दूं, आपको सिंपली एक बार आना है ऊपर, ऊपर आके यहाँ पे देखिए आपको कुछ ये कस्टमाइज का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर देखिए अंडू और रेडू दो ऑप्शन मिल जाते हैं। तो अंडू पे क्लिक करेंगे तो ये एक आइकॉन आपके सामने आ जाएगा अंडू का, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी गलती हुई है तो वो वापस से यहाँ पर आ जाएगा। अब आपकी जो भी गलती हुई है उसे आप सुधार सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमें इतना ही हिस्सा कट करना है जितना मैंने सिलेक्ट किया हुआ एरिया, इतना ही अगर आपको कट करना है, तो अगर आप चाहते हैं कि इतना एरिया हमको डिलीट करना है, सीधा आप चले जाइए डिलीट पे, जितना एरिया आपको डिलीट करना है उतने एरिया पे सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं इतना हिस्सा जो है इसका डिलीट किए दे रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, तो यहाँ पे सीधा जो है डिलीट पे क्लिक कर दीजिए, तो आप देख सकते हैं उतना हिस्सा हमारा गायब हो सकता है। तो इसके बाद जो है थोड़े से और ऑप्शन मैं आपको इसमें बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि इतना हिस्सा जो है हमारा जो है साइलेंट हो जाए, इसमें कोई वॉइस ना आए, तो आपको ऊपर एक साइलेंस का मिल जाता है, तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इतना हिस्से की देखिए वॉइस जो है गायब हो गई है। यहाँ से आप देख सकते हैं इतना हिस्सा जो है बिल्कुल साइलेंट हो चुका है। तो इस तरीके से जो आप अपना यहाँ पे जो है साइलेंस भी कर सकते हैं। अगला ऑप्शन मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप जो है वॉल्यूम को भी एडजस्ट कर सकते हैं। मान के लिए इतना एरिया मैं सिलेक्ट किए ले रहा हूँ और इसका वॉल्यूम मुझे कम ज़्यादा करना है, तो आप यहाँ पे वॉल्यूम पे चले आइए, सीधा एडजस्ट वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए आपका ये -100% 300% तक आप इसे घटा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से आप जितना चाहे उतना जो है घटा बढ़ा सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं मैं यहाँ से घटा बढ़ा रहा हूँ, और नीचे आप देख सकते हैं हमारा जो है वॉल्यूम कम ज़्यादा हो रहा है। इस तरीके से यहाँ पर आप जितना चाहे उसे आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर कर दीजिए ओके। ओके करने के बाद ये आपका कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट करने के बाद जब आपको इसे सेव करना है तो आपको यहाँ पे मिल जाता है सेव एंड क्लोज का, तो आप डायरेक्टली यहाँ से जो है सेव एंड क्लोज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक फीचर और बता दूं जो मुझसे रह गया है दोस्तों, माफ करना, क्योंकि एक फीचर अभी रह गया है। अगर आप चाहते हैं इसमें फेड इन फेड आउट देना, फेड इन फेड आउट क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, फेड इन फेड आउट वो होता है, फेड इन तो वो होता है दोस्तों जैसे कोई वीडियो शुरू हुआ जिसकी साउंड जो है एकदम से स्टार्ट हो जाती है, और एक वीडियो वो होता है जिसमें स्लो स्लो साउंड स्टार्ट होती है, यानी धीरे धीरे स्टार्ट होकर बढ़ जाती है, और फेड आउट वो होता है जिसमें तेजी से धीरे धीरे साउंड कम होती हुई बंद हो जाती है, तो इसे फेड इन फेड आउट कहते हैं। तो फेड इन फेड आउट अगर आप लगाना चाहें, मान के लिए ये हिस्सा है जिसमें हम जो है धीरे से साउंड को शुरू करना चाह रहे हैं कि धीरे से शुरू होकर वॉल्यूम बढ़ता जाए, तो यहाँ पे फेड इन पे क्लिक करेंगे, एरिया को सिलेक्ट करके उतने एरिया की जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप इसे यहाँ पे चेंज हो गई है, यानी कि धीरे से शुरू होगी और बढ़ती चली जाएगी। जैसे ही फेड आउट आप लगाना चाहें, जितने एरिया में लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। इतना मैं सिलेक्ट किया और यहाँ पे कर दूंगा फेड आउट पे, यहाँ पे ये फेड आउट पे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फेड आउट हो गया, यानी कि ज़्यादा से धीरे धीरे कम हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका वीडियो स्टार्ट होगा और बंद होगा, धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ेगा और लास्ट में धीरे धीरे घटेगा, इसे बोलते हैं फेड इन फेड आउट। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं साइज को छोटा मोटा अपना करके, जूम वगैरह भी करके भी यहाँ पे इस तरीके से एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत होती है छोटे में तो यहाँ से आप जूम कर लीजिए, जूम करके एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ फीचर्स थे इसके जो मैंने आपको बताया। इसके बाद अब हमको यहाँ पे करना है सीधा सा सेव एंड क्लोज पे। जैसे ही सेव एंड क्लोज पे करेंगे तो ये हमारा सेव हो जाएगा, और सेव होने के बाद अब मुझे जो है यहाँ से बाहर निकलना है, यानी इसे एक्सपोर्ट करना है, तो आप यहाँ पे सिंपली क्लिक कीजिए, ये लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, तो यहाँ पर एक दिया है एक्सपोर्ट का। अब यहाँ से आप एक्सपोर्ट कहाँ पे करना चाह रहे हैं, BMB वीडियो या YouTube वीडियो, आप जहाँ भी करना चाह रहे हैं वहाँ के लिए इसे डायरेक्टली कर सकते हैं। तो मैं BMB पे करके दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे मैंने किया सिलेक्ट
और ये आपसे सेव लोकेशन मांगेगा कि आप इसे कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाने के लिए डेस्कटॉप पे ये ले रहा हूँ और स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसका नाम है, तो मैं यही छोड़े दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ से इसे कर दे रहा हूँ सेव। ये थोड़ा सा टाइम लेगा एक्सपोर्टिंग करने में, क्योंकि आप भी जानते हैं कोई वीडियो एडिट करते हैं तो एक्सपोर्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो जितना साइज होगा उस हिसाब से यहाँ पे टाइम लगेगा, लेकिन अदर सॉफ्टवेयरों के हिसाब से यहाँ पे फिर भी जो है जल्दी काम कर लेता है। बाकी मुझे इसके फीचर्स काफ़ी अच्छे लगे हैं, और सबसे बढ़िया ऑप्शन मुझे लगा है नॉइस रिमूव का, जिसके लिए मुझे अलग से कोई भी सॉफ्टवेयर यूज नहीं करना है। तो ये देखिए हमारा जो है यहाँ पे सेव हो चुका है। अब मैं इसे कर देता हूँ बंद, यहाँ से इसे भी बंद कर दे रहा हूँ। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जो सेव हुआ था मेरा कहाँ पे आया है। तो आप देख सकते हैं मैंने जो है डेस्कटॉप पे किया था, तो स्क्रीन रिकॉर्डर के नाम से था। तो यहाँ पे हमें ढूंढनी है वो फाइल कि मैंने कहाँ पे सेव की थी और वो कहाँ पे गई है। तो ये देखिए हमारी फाइल जो है यहाँ पे आ चुकी है। ये जो आप देख रहे हैं ये देखिए जो अभी हमने एडिटिंग की है ये वही फाइल है। इसे प्ले करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये प्ले भी हो जाएगा, आपको दिखा भी देगा आएगा। उसके बाद ये देखिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, वही स्क्रीन है जो अभी आपके सामने मैंने रिकॉर्ड की थी, तो ये एक्सपोर्ट भी की बात थी। करें तो एचडी क्वालिटी में आप तो इस तरीके से आप जो इसमें बहुत ही इजीली जो एडिटिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बहुत ही इजीली इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैंने, वहां से इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है ये एप्लीकेशन आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर देना, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, और अगर पुराने व्यूअर हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तब भी जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।